हीरो इलेक्ट्रिक भारत में जल्दी अपनी नई स्कूटर को लॉन्च करने के मूड में है। इसे एलेक्सी 20 नाम दिया जाएगा। एलेक्सी 20 को एक परफेक्ट स्कूटर के रूप में बनाया गया है। इसकी रफ्तार आम स्कूटर के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। एलेक्सी 20 की और भी महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल आम स्कूटरों के मुकाबले इलेक्ट्रिक स्कूटरों की स्पीड काफ़ी कम होती है। इनकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम होती है। इसी लो परफॉर्मेंस के चलते लोग इन बॉक्सेस को लेने से कतराते हैं। हीरो एक्सेलेट 20 को कंपनी ने बड़ी तैयारी के साथ लॉन्च किया था। इसे हाई स्पीड सीरीज के टॉप ऑफ द लाइन में रखा जाएगा। फिलहाल हीरो के हाई स्पीड सीरीज में 3 इलेक्ट्रिक स्कूटरों को मौजूद किया गया है, NYX Phantom, Phantom 72V, लेकिन इन स्कूटरों में एलेक्सी 20 सबसे महंगी होगी। इन स्कूटर के मुकाबले इसमें अधिक फीचर भी दिए जाएंगे। पावर की बात करें तो इसमें 4K मोटर दिया जाएगा, जो कि 85 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक जा सकता है। अनुमान है कि एक चार्ज में ये 110 किलोमीटर तक जा सकती है। फीचर की बात करें तो इस स्कूटर में ब्लूटूथ के द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। इसमें स्मार्ट कंसोल भी दिया जाएगा, जिसको मोबाइल ऐप के जरिए कनेक्ट भी किया जा सकता है। बता दें कि एक्सेलेट 20 का पहला लुक इसी साल सामने आया था। कंपनी ने इसके रिसर्च पे काफ़ी काम किया था, इसलिए हम स्कूटर में काफ़ी कुछ नया देख सकते हैं।